बसपा छोड़ सकते हैं सांसद दानिश अली, अजय राय के साथ आई इस तस्वीर ने बढ़ाया सियासी पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। बीजेपी सांसद रमेश पिदूड़ी के लोकसभा में बसपा सांसद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से दानिश अली सुर्खियों में बने हुए हैं। पिछले दिनों उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी दिल्ली स्थित दानिश अली के आवास पर पहुंचे और उनसे बातचीत की, जिसके बाद यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि दानिश अली लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को छोड़ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दानिश अली से मुलाकात की, तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें एक तस्वीर में वो दानिश अली को गले लगाते दिख रहे हैं तो वहीं अन्य तस्वीरों में उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, आज संसद जनाब दानिश अली जी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की गई। दानिश अली का कांग्रेस में स्वागत। जी, आपको बता दें कि दानिश अली से मुलाकात के बाद अजय राय ने कहा कि हम यहाँ उन्हें पूरी तरह ताकत देने आए हैं, वो एक मजबूत सांसद है और अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ संसद में रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो समाज और देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं और हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ आए हैं। दानिश अली की कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें भी यहां पर लगते हुए दिखाई दे रही है। यहां पर इन अटकलों पर अजय राय ने कहा कि अगर दानिश अली कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ सबसे मजबूती से आवाज उठाती है। बीजेपी सांसद रमेश पिदूड़ी ने जो कहा, हम उनकी गलत बात का विरोध करते हैं। बीजेपी के लोग जो बोलते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर विपक्ष के लोग कुछ बोल दें तो कार्रवाई होती चली जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। और जब अब अजय राय भी उनसे मिलकर आए हैं तो इन अटकलों को और भी ज्यादा हवा जो है वो मिलती हुई सी दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर जो दानिश अली है वो बीएसपी से अपना नाता तोड़ेंगे और कांग्रेस से जोड़ेंगे? इस बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज, मैं तुषार, धन्यवाद।